मतलब जरूरी था बताना ये तो सबको। जरूरी था भाई साहब, लोगों को डाउट हो रहा था ना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। और आज आपको बैकग्राउंड साउंड में आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि आज काम नहीं चल रहा है। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि रोज़ शोर हो रहा था, तो आज मैं बहुत सारे काम अपने निपटा सकती हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, तो लगभग कुछ काम तो हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं। तो मैं आई थी छत पर यही देखने कि मशीन कहीं चल तो नहीं रही है, तो मैं पहले उतर जाती हूँ। पता चला वीडियो के चक्कर में गिर गई, तो सबसे ऊपर वाली छत में गई हुई थी मैं। तो आज मेरा जो वीडियो है ना, वो शायद बन ही जाएगा। फिर यह इधर बैठ के धूप सेक रही है और राजा दूसरे घर में झांक रहा है। ओ राजा, क्या कर रहा, जल्दी आ, इधर देख 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 देख। इसके बाद जो बचे हुए काम है उनको मैं फटाफट से निपटाने वाली हूँ। तो थोड़े से कपड़े रह गए थे, किचन के भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, टॉवल वगैरह, तो उन सबको मैंने लगा दिया है मशीन में, ताकि जल्दी से मेरे कपड़े धुल जाएं। और इसके बाद मैंने सोचा मशीन में जब तक कपड़े लगे हुए हैं तो सब्जी बनाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ दिन के खाने की, ताकि मैं जल्दी से जल्दी बना लूँ और फिर मुझे काफ़ी टाइम मिल जाए गार्डन वाला वीडियो बनाने के लिए। तो मैं फटाफट से सब्जियाँ काट रही हूँ। इधर फेरिया और वो खेल रहे हैं, और फेरिया मस्ती बहुत करती है। तो सब्जी काटने के बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में, और सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मसाले तैयार कर रही हूँ। जो ग्रेवी मुझे डालनी है टमाटर प्याज की, उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ मिक्सी में। कितना सोना तेन रब ने बनाया, मैं आज बना रही हूँ सबसे फेवरेट मेरी सब्जी। ये है बड़ी, और वो भी वो स्पंज वाली बड़ी मुझे पसंद नहीं है, तो ये बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं करूंगी फ्राई, तो दोनों तरफ मैंने कढ़ाई चला दी है, और एक में करूंगी साथ के साथ मसाला फ्राई। ठीक है, ये तेल कम हुआ है, वो और हो जाना चाहिए था। और इसमें डाल दिया मैंने जीरा, और इधर मैंने पहले से बना के रखा है लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, और ये रख दिया है। मस्त बनाई है। और इसी टाइम में डालूंगी फिर तेज पत्ता, प्याजों पर गुद्दू धीमा, और एक बड़ी इलायची। ठीक है, ये हो गई। और सूखी मिर्च मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तड़के वाली लाल वाली, हाँ ये डाल दी। और इसके बाद चमचा कहाँ गया, हम थोड़ा सा क्रैक हो जाए, और तब तक इसमें मैं इसको भर लेती हूँ। ये फ्राई करनी पड़ती है, हाँ मैं इसको भून के बनाती हूँ। आप चाहो तो तोड़ के भी बना सकते हो, तो मुझे बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं। नॉन वेज तो हम लोग खाते नहीं है, तो हमारे लिए मतलब इससे बेस्ट खाना कोई नहीं हो सकता। हमारे लिए ये सबसे डिलीशियस खाने हैं, बड़ी वगैरह। नॉन वेज आपको पसंद है जी? कैसे बोल रहे हो? तो इसको फ्राई कर लेते हैं, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। और ना खाना मैं इस वजह से जल्दी बना लूँ 11 बजे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे टाइम मिल जाए, मैं गार्डन वाला वीडियो बना लूँ। तो खाना बनाने के बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी, तो उसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। और इधर ये भून चुका है, और इधर डाल दूँ प्याज। तो खाना बनाओ तो जल्दी बन ही जाता है। बहुत अच्छी खुशबू आई यार मुझे तो। हाँ, भूनने लग गई हूँ, और ये हो चुका है, ज्यादा कट जाएगा, ये भी हो चुका है। गैस को कर देते हैं धीमा, क्योंकि आलू भी भुनने हैं। और इसमें मैं थोड़े से आलू डाल रही हूँ, आलू ना राजा को पसंद है, और आलू बिना वो सब्जी नहीं खाता कोई भी, तो मिलाने के लिए मुझे रखना ही पड़ता है। तो ये राजा के लिए हो रहे हैं, तो इसे ही सब्जी में डाल दूंगी मैं।
अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इन्हें भी मुझे भूनना है और बड़ी की सब्जी में मैं भून के ही बनाती हूँ और अब इसको कर देती हूँ तेज ताकि ये अच्छे से भून जाए। मुझे घर की बड़ियां बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो भून लेती हूँ अच्छे से और जब तक ये भुन रहा है तब तक निकाल लेती हूँ सारे काम, भून ढाल के रख देती हूँ। हमारा प्याज अच्छी तरीके से हमें डाल दी, टमाटर थोड़ा सा तेल इसमें मुझे कम लग रहा है और अच्छी तरीके से हमारा प्याज भून गया था बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। इसके बाद टमाटर डाला है मैंने और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हूँ और इसके बाद मैं मेरा तरीका मैं डालूंगी मैं मिर्ची, और क्योंकि हम चटपटा ही खाते हैं गर्म मसाला मुझे बाद में बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कच्चा कच्चा फील होता है वो, हल्दी और इसके बाद इसमें डालूंगी मैं नमक का आइडिया है मुझे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिलाऊंगी। गरम मसाला अगर मैं बाद में डालती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा कच्चा कच्चा फील होता है तो इस वजह से मैं बाद में नहीं डालती हूँ और मसाले को मिलाऊंगी मैं अच्छे तरीके से। अब मसाले को भूनूंगी मैं अच्छे तरीके से और इसमें एक चीज की कमी रह गई है वो मुझे डालनी है कसूरी मेथी, एक चम्मच कसूरी मेथी और इसे क्रश करके मैं डाल देती हूँ और कम से 5 मिनट तक मैं भूनूंगी इस मसाले को भूनूंगी। तो हमारा मसाला अच्छी तरीके से देखिए भुन गया है, बिल्कुल अलग अलग हो गया है और अच्छी तरीके से फूल रहा है और अब मैं इसमें डालूंगी बढ़िया और इसको मिला देंगे हम अच्छी तरीके से आराम आराम से ताकि सारा मसाला इसमें लपट जाए और ये पीछे भी पहुंच गई है, कितना मसाला ही पहुंचा था। इसमें डालेंगे आलू जो हमारे राजा के लिए स्पेशल है अच्छे से मिलाती हूँ और कम से कम 1 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही भूनती हूँ धीमी आंच करके ताकि जो सोंधापन है वो सब्जी का वो इसमें उतर जाए। और अब मैं डालूंगी पानी, पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, गाढ़ा खाना है गाढ़ा डालिए और मेरे को तो देख के ही बढ़िया लग रही है लेकिन बड़ी पकने में मस्त बनेगी, मस्त टाइम लगता है। और इसे मैं पकाऊंगी ढक के क्योंकि ये जो बढ़िया है ना ये इनको पकने में लगेगा टाइम, तो थोड़ा और डाल दो और जब ये पक जाती है ना फिर मैं ढक्कन खोल के फिर 5 मिनट तक पकाती हूँ। और जब तक मेरी सब्जी पकेगी तब तक मैं आ गई हूँ, जो मैंने कपड़े लगाए थे मशीन में उनको निकाल के साफ करके मैं आ गई हूँ छत पर और मैं अब इनको फटाफट से सुखा दूंगी। तो आज थी बहुत अच्छी धूप तो मेरे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे, तो मैं जहाँ पर कपड़े फैला रही थी वहाँ पर खिला था प्यारा सा गुलाब का फूल जो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में फिर से और फटाफट से रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि राजा को, फेरिया को, लड्डू को लग रही है बहुत तेज की भूख। तो सबसे पहले मैं उसके लिए, जो मैंने उसके लिए स्पेशल आलू निकाले थे वो, और उसके लिए रोटियां तोड़ के रख रही हूँ। और जब तक ये मैं मिला रही हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड जो रोटियां मैंने छोड़ दी थी वो सेक रहे हैं एक आधी, ताकि वो जले ना, तब तक मैं उसका खाना अच्छे तरीके से मिला दूंगी। तो उसका खाना तो मिल चुका है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ लड्डू के खाने की। तो सबसे पहले मैं खाना इन्हीं को ही देती हूँ। तो हमारा खाना तो रेडी हो चुका है, और ये है राजा का, उसमें आलू और रोटी। ये है लड्डू का, इसमें घी लगी हुई रोटी है, और फेरिया का ये पहले ही रख दिया है। तो सब खाने को दिला रहे हैं। ले खाओ, हटो फेरी। लड्डू बची हुई है, लड्डू। बन गया जी, मुझे भी दे दो। क्या हाँ जी, ये हो गई हमारी सब्जी तैयार। बात है सही लग रही भाई, ना? मस्त। अरे मेरे देखने में मुंह ही में तो मस्त पानी लग आ रहा रही है। है। तो जल्दी से खाते हैं खाना। और सर 1:30 बज चुका है, टाइम को नहीं पता इतनी जी। जल्दी कर लो, देर हो ही जाती है। आप तो जाओ भी खाओगे। हमारा खाना पीना सब निपट गया। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, ताकि मैं फटाफट से बर्तन धुल लूँ और किचन की सफाई कर लूँ। और अगर छोड़ दो तो ये पेंडिंग रह ही जाता है, तो मैंने साथ के साथ ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। और इसके बाद मैं पहुँच गई छत पर, जो मैंने आपको प्लांट दिखाए थे, जो मैंने खरीदे थे, तो आज वो खिल गए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वहाँ पर इतने नहीं लग रहे थे जितने ये छत पर अगले दिन खिले हुए मुझे मिले, तो काफ़ी खुशी हो रही थी देखकर। तो इनको लगाना सही समय पर ज़रूरी था, नहीं तो ये प्लांट हम मेरे ख़राब हो जाते। तो मैंने सोचा इस काम को सबसे पहले निपटा लेती हूँ। तो मैं इनके लिए जगह ढूंढ रही थी कि मैं इन्हें कहाँ पर लगाऊँ, कैसे एडजस्ट करूँ। तो जो पुराने गमले थे, जो मैरीगोल्ड वाले, उनको हटा दिया मैंने, और उसी में ये प्लांट कुछ एडजस्ट कर दिए। और इधर राजा और फेरिया धूप सेक रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और खेल रहे हैं दोनों के दोनों। और फेरिया को देखो गुस्सा आ रहा है कि राजा को क्यों ले रखा है, वो बार बार उसे हटा रही है, तो ये थोड़ी चिढ़ जाती है उससे। तो ऐसे ही धूप में ये मस्ती कर रहे हैं, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है छत पर। और राजा मेरे पास आके देख रहा है कि कर क्या रही है। तो इसी तरीके से मैं अपने प्लांट्स को लगा रही हूँ, क्योंकि जो मेरी मिट्टी है पहले से ही रेडी रहती है, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब मैंने हेल्प ली है अपने हस्बैंड की, क्योंकि जो गमला था बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने कहा आप लेके आओ। तो वो लेके आए हैं, और इसमें मैं लगाऊंगी गुलाब का प्लांट। गुलाब के प्लांट मैं हमेशा बड़े गमलों में लगाती हूँ, और छोटे गमलों में वो अच्छे तरीके से नहीं चलते हैं। तो मैंने सारे पॉट लगा दिए। इसके बाद जो कपड़े मेरे सूख गए थे उनको मैंने उतार लिए। तो दिन भर के यही डेली रूटीन के काम होते हैं लगभग सभी के घरों में। और अब मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, तो चल रही है हमारी गप्पे, साथ के साथ कर रही हूँ मैं कपड़े की तय। तो अब बज चुके हैं शाम के 4, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि धूप जा चुकी है। जो मैंने कपड़े फैलाए थे, रजाई वगैरह, उन सब को मैं उठा रही हूँ। इसके बाद ये सब तो चले गए नीचे। फिर से मैं आई हूँ दोबारा, और बज चुके हैं 5, धूप बिल्कुल जा चुकी है। तो मुझे देना था पानी सभी प्लांट्स पर, तो मैं फटाफट से दे लेती हूँ। और आजकल जब सर्दियां हैं ना, तो मैं एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देती हूँ, 1-2 दिन चल जाता है अभी। और जो छोटे प्लांट्स हैं, जो छोटे वाले गमले हैं, उनमें जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है पानी, तो उनमें मुझे डेली देना पड़ता है। और ये बड़े प्लांट्स में तो एक दिन छोड़कर एक दिन देती हूँ, तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, कम से कम आधा घंटा तो लग जाता है। और वो भी मैंने मोटा वाला पाइप लगाया हुआ है, तब इतना टाइम लगता है। अगर वो नॉर्मल पाइप होता तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है इनको पानी देने में। तो सर्दियों में तो थोड़ी राहत मिल जाती है, गर्मियों में 2-2 टाइम मुझे देना पड़ता है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे,
फेरिया है वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती है, जहां मैं रहूंगी वहीं पे वो रहेगी। और उसको आ रही है बहुत तेज नींद और खड़े खड़े वो सो रही है। मैं उसे कई बार देख रही थी लेकिन जाती नहीं है, जहां मैं रहूंगी वहीं वो रहेगी, जब तक चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कितनी भी परेशानी हो। तो वो थक कर बैठ गई है और वेट कर रही है कि कब इसका काम खत्म होगा, कब मैं नीचे जाऊंगी, तब मैं चैन से बैठ के सोऊंगी। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और वाईफाई का कनेक्शन मेरा इस कमरे में भी नहीं आता है, तो मैं उस साइड कराने वाली हूँ। दूसरे कमरे में है कनेक्शन जो 5G वाला है, तो मैं चाहती हूँ 5G वाला मेरे कमरे में आए ताकि और भी ज़्यादा स्पीड हो जाए। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ यहाँ पे कुछ यहाँ पे जुगाड़ करने, ताकि यहाँ पे लग सके वो वो। लगेगी यार, एक वो कांच की या स्टील की एक प्लेट लगा देना, उस पर रखा जाएगा वो। और ना इस खिड़की में और ड्रिल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए करना पड़ेगा। उसके लिए ड्रिल मशीन ले आऊंगा। तो जल्दी से जाती हूँ। निकाल तो के रख दो बस। तो ये लेके आए हम ना लगाने के लिए, ताकि मेरा वाईफाई अच्छे से लग जाए। कांच वाला तो मिला ही नहीं पहले, कांच वाला तो लगा के देखू क्या? ऐसे बोल रहे थे ना। हाँ बस देख लो एक बार बाबू, ये तो सब कुछ ये मुंह में लगा दे इसको, ना ऐसे देखते हैं ना इस पर, नहीं इधर लगेगी यहाँ पे। हाँ देखो कैसा लग रहा, बहुत सुंदर नहीं लग रहा? बहुत बढ़िया, मेरे को कांच का ज्यादा अच्छा लग रहा था। कांच से अच्छा लगेगा बाबू ये, इतनी ऊंचाई पे रखना है क्या? हाँ इतनी ऊंचाई पे रखेंगे, और जहाँ का हो गया आप वहां रख लेंगे। अरे भगवान गिर ना खा लेंगे कहीं। हाँ खा लेगी बाबू, इधर भी पड़े तो सारी गिट्टी विट्टी। इससे तो ये निकल रखी, बाकी कहाँ है? नहीं होगा देख लो बाकी का है? अगर ये नहीं मिला ना ये सारा बेकार हो जाएगा। रास्ते में तो नहीं निकल गई है, मुझे भी ऐसे लग रहा है। एक तो ये पड़ी नीचे देखो, दो पैंच है, एक निकालो। चलो मैं तैयारी करता हूँ लगाने की, आप चाय बना लो है ना। हाँ चाय बनाते हैं। इलाची इलाची डाल के फर्स्ट क्लास चाय पी रहे, ठंडा लग रहा है। दोस्तों चाय पानी तो हो चुकी है, अब आपको दिखाता हूँ। मैडम जी चाय पी थी, कल कह रही थी ना कि वो मेरे में 80 है 70 है ना, ऐसे कह रही थी। अब उनका वजन तो, मशीन उतार लेता हूँ मैं। चलो मिन्नो जी एक बार आना इधर, कहाँ क्या आना 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 आओ तुम तो। बताओ देखो आपके देख लिया मैंने, देख लिया। आओ आओ एक बार खड़े हो इस पे। तो मैं ले आया हूँ इनके लिए मशीन, कल ये पूछ रही थी ना कि बता रही थी, खुद ही आप पता लग जाएगा, तोल पट जाएगा। आप इस पे खड़े हो, चलो 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 मैं नहीं खड़ी होंगी। अरे चलो भाई जूते निकालो, चलो फिर बेइज्जती थोड़ी इसमें, तो इज्जत बनेगी। हाँ हाँ तो ये दोस्तों देखो ये है विनिया जी, हाय राम, और इनका वजन देखते हैं 77 है, मतलब 2 किलो बढ़ा दिया। आप सीधे देखो, आप सीधे देखो दोस्तों, ये देखो 77 है भाई, पूरा सीधे रखा हुआ आगे। हाँ पूरा 77 है गुरुजी। खुश हो गए क्या? हाँ अब तो चलो, बहुत ज्यादा खुश हो गए होगे ना। चलो खड़े हो फटाफट, खड़े हो खड़े हो। हाँ मैं भी बताता हूँ, एक मिनट सीधे। हाँ मिलिट्री की ट्रेनिंग चल रही है, ये देख लो 103 103। चलो चलो बढ़िया, मतलब जरूरी था बताना सबको, ये तो जरूरी था भाई साहब। लोगों को डाउट होता है ना कितने हेल्थी हैं कितने मोटे हैं, नॉर्मल सी बात है। 60-70 तो सब में होता है, 60-65 तो, 80 तो नहीं होता ना सब में, 80 नहीं। चल चल 77 है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे में इतनी एनर्जी है ना, ठीक है। कोई 60 किलो वाले की में इतनी एनर्जी नहीं होगी। चल ठीक है, काम हमारा चालू हो गया है, थोड़ी मुझे हेल्प करनी पड़ेगी इसमें। तो ये ड्रिल वगैरह सारा अभी लगा रहे हैं और इधर फेरिया सो रही है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय।